शहादत हमारे यहां बयान होती है इस अंदाज में कि लगता है कि किसी मजलूम बंदे को किसी ने पकड़ा हुआ था तो वो सारे उसे मार रहे थे और वो मिन्नतें कर रहा था कि मुझे ना मारो। इतनी हाय हाय की जाती है कि महसूस होता है कि इमाम अली मकाम बड़े परेशान थे कि किसी तरीके से, और उनका खानदान बड़ा तकलीफ में था कि जल्दी कहीं करबला से निकल जाएं। हालांकि इस धरती पे, इस कायनात पे सब्र, शुजात, इस्तकामत और हौसला जिससे कायनात सीखेगी वो सिर्फ इमाम हुसैन ही है। इतने बड़े साबिर आदमी के बारे में इस तरह का रवैया अख्तियार करना कि वो तो गोया इस तरह कर रहे थे कि बस किसी तरीके से मेरी माज, तो ये इमाम हुसैन की मजलूमियत सुना के लोगों को इस तरह का कर दिया जाता है, ये अंदाज बताया जाता है कि शायद वाकई करबला रोने धोने का नाम है। हालांकि बात ये नहीं है, यजीद की लश्कर जो इमाम हुसैन के मुकाबले में आया, इमाम हुसैन के लश्कर की तादाद 72 थी, तो यजीद ने 22,000, मुझे बताइए 72 का 22,000 से को मुकाबला होता है? अमर बिन साद ने फिर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को लिखा कि 22,000 बंदे थोड़े हैं, कुछ बंदे ज्यादा भेज। तो अमर बिन साद को उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद कहने लगे कि तू पागल तो नहीं हो गया, 72 के लश्कर का 22,000 भेजा और कितना भेजू? तो उसने कहा तुम्हें ये नहीं पता ये लोग कौन है? ये मौला अली शेर खुदा की औलाद है, इनमें एक एक शख्स ऐसा है जो 1-1,000 के मुकाबले में लड़ना जानता है। तो यहां कमजोरी दिखाई जाती है, हमारे बच्चे समझने लगे हैं कि ये शायद कोई ऐसी दास्तान है, और इस तरह का माहौल टीवी पे मैं देख रहा था, इस तरह का माहौल बनाया जाता है जैसे कोई खौफ है, यानी वाकई करबला कोई ऐसा वाकई जिसे देख के खौफ तारी हो जाए, बच्चे रातों को डरे, वो अकेले दरख्त दिखाए जा रहे हैं और तीर दिखाए जा रहे हैं, वो यार क्या कौम की तरबियत कर रहे हैं। वाकई करबला हौसले का नाम है, दलेरी का नाम है। सुने बात असल में क्या थी, बड़े ठंडे दिमाग से मेरी बात को समझिएगा। हजरत मौला अली शेर खुदा के बाद मुसलमानों के मुतफिका अमीर बने थे हजरत अमीर माविया, उन्हें अमीर किसने बनाया था? इमाम हसन ने, हजरत अली के बड़े साहिबजादे। हजरत इमाम हसन ने उनसे सुलह की, उन्हें खिलाफत दी, और सही बुखारी में नबी पाक ने फरमाया था मेरा बेटा हसन सरदार है, जब मुसलमानों की जमातों में लहू बह जाएगा तो हसन उनकी सुलह करा देगा। वो सुलह इमाम हसन ने कराई, जनाब अमीर माविया अमीर बन गए। हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हो बड़ा प्यार करते थे नबी पाक से, बड़ा एहतराम करते थे हुजूर के खानदान का। उनकी जो इज्तिहादी खताएं हैं वो अपनी जगह पे मौजूद हैं, क्योंकि इमाम हसन ने उनसे सुलह कर ली, लिहाजा हम भी उनके बारे में कोई जुमला कहने के मजाज, हमारी मजबूरी इमाम हसन है, इसलिए कि जिसे इमाम हसन सही कहे फिर इमाम हसन के मानने वाले को उसे गलत नहीं कहना चाहिए। हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु का जब विसाल हुआ तो हजरत इमाम हसन पहले ही उनसे विसाल कर गए, आपको जहर दे दिया कि आप शहीद हो गए। इमाम हुसैन मौजूद थे, तो यजीद के बारे में लोगों ने कहा जनाब अमीर माविया से कि ये ठीक है, मुनासिब है और बहादुर है, दलेर है, वो जो होते हैं ना खुशामदी टोला। तो हजरत अमीर माविया के गिर्द भी कुछ ऐसे लोग थे, उन्होंने आपसे कहा कि यजीद को नामजद कर दें, तो आपने यजीद को बुलाया, हवाला मुझसे देख लीजिएगा, बुला के फरमाया कि तीन बंदों के सामने अपनी खिलाफत पेश करना, अगर वो तुझे मान जाए तो अमीर बन जाना, ना माने तो चुप करके घर बैठ जाना। वो तीन बंदे कौन है? जनाब अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर और इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला। ये वसीयत फरमाई जनाब अमीर माविया। हजरत इमाम हुसैन की वो शख्सियत थी कि मिश्कात में हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की चच्ची जनाब उम्मे फजल सुबह सुबह घबराई हुजूर की बारगाह में आई, अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज मैंने अजीब ख्वाब देखा है, मैं डर गई हूँ। हुजूर ने फरमाया चची क्या देखा? अर्ज की हुजूर मैंने देखा है कि आपके वजूद का गोश्त का एक टुकड़ा कट के मेरी झोली में आ गया है। हुजूर ये क्या है? तो महबूब ख्वाब सुन के मुस्कुराए, फरमाया चची ये परेशानी वाला ख्वाब नहीं, ये तो खुशी वाला ख्वाब है, अल्लाह फातिमा को बेटा अता करेगा और वह तेरी गोद में खेला करेगा, चूंकि वो मेरे वजूद का टुकड़ा होगा लिहाजा ख्वाब तुझे ये आई है। तो इमाम हुसैन पैदा हुए, इमाम हसन की उम्र अभी 11 महीने थी, तो नबी पाक ने इमाम हुसैन को जनाबे उम्मे फजल अपनी चची की गोद में दे दिया कि फातिमा के लिए दोनों बच्चे संभालना मुश्किल होगा। वो ख्वाब इस तरह पूरी हुई, इमाम हुसैन से हुजूर ने बड़ा प्यार किया, बड़ी मोहब्बत फरमाई नबी पाक से। कुछ हदीसें मैंने जुमे में अर्ज की थी, हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं ये वाहद बच्चा था हुजूर के घराने का कि मैंने देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे तो ये हुजूर से कह रहे हैं, नबी पाक से, कि नाना जी उठ के खड़े हो,
कहते हुजूर खड़े हो गए तो कहने लगे मैंने आपके बराबर जाना है। बच्चे जो मर्जी जिद कर लेते हैं ना, कद छोटा था, उम्र 7.5 साल थी, कहने लगे नाना मैंने बराबर जाना है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ पकड़ लिए, फरमाया चल फिर हो जा बराबर। तो हजरत अबू हुरैरा कहते हैं उन्होंने हुजूर ने हाथ पकड़े ऊपर खींचा तो इमाम हुसैन ने पहले अपने पैर हुजूर के घुटनों पे रखे, फिर नबी पाक के सीने पे रखे, और जब उनका कद सर थोड़ा सा हुजूर से ऊंचा हो गया तो महबूब फरमाने लगे चल बस कर, तूने तो कहा था आपके बराबर होना, तू तो ऊपर निकल गया है, चल बस कर। फरमाते फिर इमाम हुसैन ने जुबान बाहर निकाली तो महबूब उनकी जुबान चूसने लगे, फिर साथ लिटा लिया और उन्हें सूंघने लगे। तो मैंने अर्ज की हुजूर आप हुसैन को सूंघते क्यों हैं? तो फरमाया अबू हुरैरा मुझे हुसैन के वजूद से जन्नत की खुशबू आती है, मुझे हुसैन के वजूद से जन्नत की। एक दिन हुजूर गुजर रहे थे, असल इस तरह था कि ये नबी पाक का उजरा था, जिन लोगों को अल्लाह ने मदीने की जियारत कराई है वो जान सकते हैं, नबी पाक का हुजरा था तो हुजूर के हुजरे की इस जानिब यानी मस्जिद की जो बिल्कुल सीध है उसकी बैक में सैयदा फातिमा रहती थी। तो हुजूर अक्सर ना नमाज के लिए जब निकलते तो हजरत फातिमा के हुजरे के पास से होकर दोबारा मेहराब में जाते, महबूब हुजरे के पास से गुजरे तो इमाम हुसैन रो रहे थे, तो हजरत फातिमा ने किसी बात में झिड़क दिया तो इमाम हुसैन रोने लगे। तो नबी पाक नमाज के लिए गए तो वापस लौट आए और वापस तशरीफ लाके कहा फातिमा हुसैन को क्या हुआ? अर्ज की यार सुल्ला तंग कर रहे थे, मैंने डांट दिया है। क्या खूबसूरत जुमले हैं हदीस पाक में, सरकार ने फरमाया फातिमा इसको हुसैन को ना रोने ना दिया कर, ये जब रोता है ना तो मेरे दिल को तकलीफ होती है। तो बीबी साहब कहती हैं ये हुक्म आया नबी पाक का मेरे ना, फिर मैंने डांटना छोड़ दिया। ये उनके फजाइल थे, कब उनकी तरबियत खुद नबी पाक ने फरमाई, खुद ड्यूटी। मैं किसी मंतक का मैं अब तो अल्लाह ताला माफ करे, पहले हम लोगों को कहते थे फलानी मजलस में ना जाना फलानी, अब तो मुसीबत बन गई है, जाने की जरूरत नहीं, हर शय मोबाइल में आ गई। मुझे भेजते हैं कहते हैं हजरत साहब ये जरा सुनना ये जरा सुनना, कल कराची से कुछ मेहमान आ गए तो अब बच्चों ने वो क्लिप संभाल के ये मौलवी देखो क्या कहता है। अब आयतें पढ़ी जा रही हैं कुरान पाक की, इतना टुकड़ा यहां से लेते हैं इतना टुकड़ा यहां से लेते हैं और मिला के पता नहीं कौन सा मिक्सचर बना रहे हैं, किसी आयत का तर्जुमा नहीं, कोई वाजे हदीस नहीं, ऐसे हुआ होगा फिर इसको इससे जोड़ लें तो क्या बनता है, इतनी जमा कर, ये कौन सा दीन है जो तोड़ मरोड़ के बयान कर रहे हैं, कौन सा मजहब है? दीन तो वाजे खुली किताब है। अब हमारा ये शौक है, हम हर तमाशा देखना चाहते हैं, हम अपने लोगों की कदर नहीं करते और बड़ी बड़ी दूर जाके हम गलत मामलात में जाते हैं, फिर जेन हमारे शकूक का शिकार होते हैं। हमें समझना चाहिए कोई ऐसी किसी दलील की जरूरत नहीं है, जब उनके वाजे चीजें उनकी किताबें मौजूद है, हदीस में मौजूद है, कुरान मजीद में उनके फजाइल खुल के मौजूद है, तो दूर जाने की क्या जरूरत। हुजूर उनकी ट्रेनिंग कराते थे, पहली बात तो यह है कि नबी पाक ने दुआ मांगी थी या अल्लाह मेरे घर वालों को ज्यादा रोजी ना देना, इन्हें एक वक्त रोटी देना एक वक्त की भूख देना। ये जो 10 दिन करबला में उन्हें टेंशन नहीं ना हुई, उन्हें आदत थी फाका करने की, उन्हें 3-3 दिन वसली रोजे रखने की आदत थी, पहली बात। दूसरा यह कि जिहाद की तरबियत हुजूर खुद कराते। हजरत फातिमा तज़हरा कहती मैं पर्दे के पीछे देख रही थी, नबी पाक ने इमाम हसन और हुसैन से फरमाया चलो मेरे सामने कुश्ती लड़ो, तो दोनों हजरात आपस में जब कुश्ती लड़ने लगे तो नबी पाक ना इमाम हसन को कहते हैं हसन हुसैन को टांगों से पकड़ो, हसन हुसैन को पीछे से पकड़ो। जब नबी पाक बार बार इमाम हसन को बता रहे थे तो सैयदा पीछे से बोल पड़ी, कहने लगी या रसूलल्लाह आप छोटे को बताएं आप बड़े को बता रहे, बड़ा तो पहले 11 महीने बड़ा है तो आप छोटे को बताएं बड़े को बता रहे। तो फरमाया फातिमा तू चुप करना, जो मैं देख रहा हूं तू नहीं ना देख रही, एक को मैं बता रहा हूं दूसरे को जिब्रील अमीन बता रहे हैं। तो ये हुजूर ने अपने सामने उनकी तरबियत की ट्रेनिंग। हुआ ये कि यजीद जब अमीर बना ना, 2-3 चीजें होती हैं जब किसी बंदे को काबू करना होता है, 2-3-4-5 चीजें ऐसी होती हैं जिससे बंदा काबू आता है। तो उसने भी फौरी तौर पे यजीद ने देखा मेरे लिए मसला क्या बन सकता है। वलीद बिन उतबा उस वक्त मदीने का गवर्नर था, यजीद ने उसको खत लिखा कि अमीर अरब का रिवाज आज भी है कि जब तक नए खलीफा की बैत नहीं हो जाती पुराने के इंतकाल की खबर ही नहीं देते, उसको रखे रखते हैं, ये उनका तरीका है। वो कहते हैं कि वली अहद अच्छी तरह कब्जा कर ले फिर बताएंगे। हजरत अमीर माविया का विसाल हो गया, बताया नहीं। यजीद ने अब क्या किया, क्योंकि बड़ा चलाक आदमी था, बड़ा शातर था, बड़ा तेज था, उसने वलीद को खत लिखा,
कहने लगा कि फौरी तौर पे अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को बुलाओ और उसे कहो मेरी बैत करें। ये जो बैत होती थी ना, ये भी सुन ले क्या होती थी। ये बैत हलफ होता था कि मैं अल्लाह रसूल के नाम पे हलफ देता हूं कि मैं यजीद की इताअत करूंगा, मैं उसके खिलाफ कोई बगावत नहीं करूंगा। कोई ये बैत लोग समझते हैं कि बस हाथ पकड़ने का नाम बैत था। उस बैत का मुतबादल जमहूरी मुल्कों के अंदर वोट आया है। तो कहा बैत करें, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को भी बुलाओ, अब्दुल्ला बिन जुबैर को भी बुलाओ, इमाम हुसैन को भी बुलाओ। इमाम हुसैन आधी रात के वक्त बैठे थे मस्जिद नबी में, चूंकि पांचों नमाजों की आप इमामत करते। इमाम हुसैन नमाज पढ़ा के शाह की बैठे थे जनाब अब्दुल्ला बिन जुबैर। अब्दुल्ला बिन जुबैर कौन थे? ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुप्पी पोते थे और जनाब सिद्दीक अकबर के नवासे थे हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर। और जनाब जुबैर बिन अवाम अशरा मुबशरा से अभी हैं, उनके बेटे थे। बहुत जीरक आदमी थे, ये भी इमाम हुसैन के पास बैठे थे। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास भी थे जो हुजूर के चचा के बेटे हैं, इस उम्मत के पहले मुफसर हैं कुरान पाक। ये लोग बैठे थे तो वलीद ने एक बंदा भेजा, उसने आके कहा जनाब आपको गवर्नर साहब ने बुलाया है। तो अब्दुल्ला बिन जुबैर कहने लगे हुसैन इस वक्त बुलाने की बात समझ में नहीं आई। तो इमाम हुसैन बड़े बसीरत वाले थे, अल्लाह ने बसीरत दी थी, कहने लगे अब्दुल्ला आपको समझ नहीं आई, मुझे समझ आ गई, अमीर माविया विसाल कर गए और ये हमें जो बुलाया गया है ना, ये यजीद की बैत के लिए बुलाया गया है। तो कहा फिर आप आधी रात को ना जाएं, आपके लिए खतरा होगा। तो इमाम हुसैन फरमाने लगे खतरा हुसैन को नहीं होता। नहीं, कहा फिर भी आप मेहरबानी करें, जरा एहतियात से जाएं। तो जनाब अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने 14 बंदे नेजे दे के, तलवारें दे के इमाम हुसैन के साथ भेजे और कहा कि इमाम हुसैन अगर उसने कोई गलत मलत बात की ना, जबरदस्ती बैत करने का कहा, तो आप बस कोई एक बात ऊंची आवाज में कर देना, ये सिपाही पीछे आ जाएंगे। इमाम हुसैन उन 14 बंदों को लेकर गवर्नर हाउस पहुंच गए। जब आप वहां पहुंचे, उसने बताया, उसने कहा जी हजरत अमीर माविया इंतकाल कर गए और आपने यजीद की बैत करनी है। तो इमाम हुसैन फरमाने लगे मैं छुप के बैत नहीं करूंगा, मजमा लगाओ, जुमे वाले दिन ऐलान करो, जो तरीका है हजरत अबू बकर सिद्दीक का, जो तरीका हजरत उमर फारूक का, जो अंदाज हजरत उस्मान गनी का है, जो मौला अली का है, सरे आम ऐलान करो, अगर सारी दुनिया यजीद की बैत करेगी तो मैं भी तैयार हूं। तुम मुझसे बैत लेके फिर लोगों को बताना चाहते हो कि हुसैन बैत हो कर रहे हैं तो तुम क्यों नहीं कर रहे? मैं आम आदमी नहीं हूं, लिहाजा छुप के बैत नहीं करता। जब ये बात की ना, तो वलीद बड़ा नरम दिल था और इमाम हुसैन की शान को जानता था, वो जानता था ये नबी पाक का खानदान है। उसने कहा जी मुझे तो हुक्म था, बाकी आप हुजूर के नवासे हैं, मैं कर कुछ। वहां एक बड़ा बदबख्त शख्स बैठा था अब्दुल मलक बिन मरवान, वो वलीद से कहने लगा कि अगर हुसैन आज तुम्हारे हाथ से निकल गए तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाए, इन्हें जाने ना देना, या बैत कराओ या इनसे कहो जंग के लिए तैयार हो। तो इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के कानों में आवाज गई तो फरमाने लगे ओ इब्ने मरजाना, अगर तेरे अंदर जरूरत है तो आ सामने हुसैन के, इसके कानों में बातें ना कर, काना फूसी ना कर, बाहर आ मैदान में, शरारत ना कर, बाहर आ, मैं तुम्हें अभी बताता हूं कि हुसैन से मुकाबला करने का अंजाम क्या है। ये कह के इमाम हुसैन बाहर निकले, अपने भाई मोहम्मद बिन अनफिया को बुलाया, अब्दुल्ला बिन जुबैर, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, ढेर सारे लोग इकट्ठे हो गए। फरमाया ये मामला है, अब क्या करना है? तो वो कहने लगे हुजूर वक्त अभी मुनासिब नहीं है, आप इस तरह करें, यहां रुके, हम मक्के से, इराक से, कूफे से लोगों को बुलाते हैं, यहाँ एक बड़ी मजलिस से मुशावरत कायम करते हैं। इमाम हुसैन फरमाने लगे अगर तुम मुशावरत कायम करोगे तो वलीद और अब्दुल मलक बिन मरवान वो तो जंग करने को तैयार है। और नबी पाक ने फरमाया एक मेंढा होगा जिसकी वजह से मदीने की गलियों में लहू बहेगा। फरमाने लगे मैं वो बकरा, वो मेंढा नहीं बनना चाहता। कहा फिर आप क्या करेंगे? तो इमाम हुसैन रो पड़े, फरमाने लगे मैं मदीना छोड़ जाऊंगा लेकिन मदीने की हुरमत पामाल नहीं होने दूंगा। इमाम अली मकाम आदि रात के वक्त निकले। सैयदा फातिमा का दरवाजा एक उस दिन था जिस दिन हजरत मौला अली कूफे चले गए और दोबारा आज ताला लगा जब इमाम हुसैन निकले। आप जन्नतुल बकी के पीछे खड़े होके हुजूर का रोजा देखने लगे। उस वक्त गुंबद तो नहीं होता था, रोजा देखने लगे। नाना तेरे करम के खजीने की खैर हो, मैं जा रहा हूं तेरे मदीने की खैर हो। सारा खानदान ले गए, मक्के तशरीफ ले गए। हज के अय्याम करीब आने वाले थे। इमाम हुसैन ने वहां लोगों से बातें की। जब इमाम हुसैन वहां पहुंचे तो कूफे से खत आने लगे। कूफा हजरत अली का दारुल खिलाफा था, वहां आपके मुहिब्बीन प्यार करने वाले ढेरों थे। उन्हें खत लिखे कि हुजूर आप चुप करके बैठे हुए हैं और हमारे ऊपर यजीद मुसल्लत हो गया है, आप अगर मैदान में नहीं निकलेंगे, आप नहीं आएंगे तो हम अल्लाह की बारगाह में शिकवा करेंगे कि कोई हमारी
कमान करने को तैयार ही नहीं हुआ, और वो खात एक दो तीन नहीं आए, वो खात इतने थे कि तीन बोरियों में भरे थे इमाम हुसैन, तीन बोरियों में। अब मजबूरी हो जाती है हक के लिए, कई दफा बात करना मजबूरी होती है, अगर नहीं करेगा तो फिर इसको भी कब्र में जवाब देना पड़ेगा। इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हो ने मक्के में अब लोगों को जमा किया मशवरे के लिए, हर बंदे ने कहा हुजूर वो बुला तो रहे हैं पर अपने वादों के पक्के, कहा हुजूर वो पक्के नहीं, आप ना जाएं। हर बंदे ने कहा हालात ठीक नहीं, हालात ग्राउंड रियलिटी सही नहीं, यही मशवरा आज भी हर बंदा देता है, अभी हालात नहीं। इतने खराब हालात कभी नहीं हुए थे जितने इमाम हुसैन के दौर में थे, लेकिन फरमाया मैं दीन के खिलाफ गलत हुक्मरान को मुसल्लत होने की इजाजत, बोल के बताइए बोल के, गलत हुक्मरान को मुसल्लत होने की इजाजत, मुजाहमत करूंगा, मुखालफत करूंगा। इमाम कहने लगे कोई बात नहीं, वो मेरे साथ चले ना चले लेकिन मैं कूफे जाऊंगा, वो लोग मेरे साथ खड़ा होने को तैयार है तो वो झूठ है या सच है पर मैं चलूंगा। जब इमाम अली मकाम ने इसरार फरमाया तो जो आपके करीबी सहाबा किराम की औलादें थी सारी, ये भी अब बीमारी है, कुछ लोग कहते हैं जी सहाबा नहीं साथ चले, तो मैं कहता हूं अहले बैत नबुव्वत के तो कुल अफराद 21 थे, तो 72 में बाकी औलादें किसकी थी, वो सारी सहाबा की औलादें थी वो सारे। पता नहीं क्यों इस तरह का फलसफा बयान किया जाता है जिसमें हालात खराब हो। हजरत सैयदना इमाम अली मकाम को जब बहुत ज्यादा कहा गया ना तो इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया चलो मैं एक काम करता हूं, मुस्लिम बिन अकील को भेजता हूं, हजरत अली के भतीजे हैं, इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला उन्हों के चचा के बेटे हैं, हजरत अकील के साहिबजादे मुस्लिम बिन अकील, बड़े समझदार आदमी थे, मामला फहम थे, बड़े जर्री थे, इतना जबरदस्त मशवर कम लोग देते हैं जितना हजरत मुस्लिम बिन अकील देते थे। उनको भेजा गया कूफे, अब उसमें बड़ी तफसील है, वो अपने दो बच्चे भी ले गए। जब वो कूफे पहुंचे ना तो कूफे पर जनाब नौमान बिन बशीर की हुकूमत थी, आप गवर्नर थे और अहले बैत से बड़ी अकीदत रखने वाले, नरम रवैया। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद कूफे का गवर्नर नहीं था, ये किसी और इलाके का था। जब आप वहां पहुंचे तो नौमान बिन बशीर ने देखा कि हजरत मुस्लिम बिन अकील आए हैं तो लोग दौड़े उनकी बैत करने, भागे, इतने लोग जमा हुए कि एक दिन में 17,000 आदमी ने बैत कर ली। कितने बंदे जी, 17,000 आदमी एक दिन आया। अब वो जो इमाम मुस्लिम बिन अकील के वहां नारे लगाने वाले थे कहने लगे हुजूर ये पहले दिन की कारकर्दगी है, दो चार दिन में देखिए क्या होता है। दो चार दिन में क्या हुआ, 40,000 आदमी ने बैत कर ली। अब वो 40,000 बंदा तैयार हो गया, इधर से जो यजीद के वफादार थे उन्होंने खत लिखा यजीद को कि तूने बड़ा नरम आदमी गवर्नर बनाया है और 40,000 बंदा चला गया हुसैन की तरफ, अगर एक आध दिन मुस्लिम बिन अकील और रहे तो जो तुम्हारा गवर्नर बैठे हैं ना जनाब नौमान बिन बशीर, उनको गवर्नर हाउस से निकाल के मुस्लिम बिन अकील कब्जा कर लेंगे, तू चुप करके बैठा है। यजीद बड़ा तेज था, उसने एक आदमी घोड़े पे दौड़ाया, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद एक और इलाके का गवर्नर था पर बड़ा जालिम सा बदमाश था, बड़ा सख्त गिर आदमी था, उसको कहा कि तू पहले एक सूबे का गवर्नर है, जा तुझे दूसरा सूबा भी दिया। इस तरह कार फौरी तौर पे कूफे पहुंच और जाके मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार कर, जो आदमी उनका साथ फिर भी दे उसे कत्ल कर दे। उसने क्या किया, वो आधी रात को आया, मुंह छुपाया, जुब्बा पहना, लोग समझे इमाम हुसैन आ गए, बहुत सारे लोगों ने उसके नारे भी लगाए। वो चुपके से दाखिल हुआ अंदर, और चुपके से दाखिल होकर उसने सबसे पहला काम यह किया कि नौमान बिन बशीर रदी अल्लाह अन्हु को माजूल किया, कूफे के गवर्नर हाउस पे कब्जा किया। फिर उसने उसी वक्त सोए हुए सरकर्दा लोग, जिस तरह एक गांव का चौधरी दूसरे का महल्ले में कबीलों के जो लोग थे चौधरियों को बुलाया, कुछ को सजाएं दी, कुछ को सख्त कहा, कुछ को उनके ऐब गिनवाए कि वो तुम्हारा फलाना मसला फिर खराब कर दूंगा, ब्लैकमेल किया। सुबह होने तक हालात अगर तुमने मेरे काबू में ना किए तो याद रखना, बड़ा मुश्किल होता है हक पे खड़ा होना, बड़ी चीजें लोगों को याद आती है, अल्लाह जानता है, पहले कुछ होता है बाद में मामला कुछ होता है। हजरत मुस्लिम बिन अकील के साथ जिस दिन उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद आया 40,000 का लश्कर था, अगले दिन सुबह हुई, अगले दिन तो ये हाल हो गया कि आप जब कूफे की जामे मस्जिद में जोर की नमाज के लिए गए तो 5-7 हजार आदमी नमाज पढ़ने आया,
और जब मगरिब का वक्त आया तो लोगों ने, चंद हजार लोग रह गए, नमाज की नियत बांधी। तवज्जो करना मेरी बात पे, एक मसला भी समझ में आएगा। लोगों ने नमाज की नियत बांधी तो हजरत मुस्लिम बिन अकील इमामत कर रहे हैं, हाथ बांधे हुए, तो बहुत सारे लोगों ने पीछे हाथ छोड़ दिए। एक बंदे ने दूसरे से पूछा, वो हाथ क्यों नहीं बांधते? कहने लगे, अगर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के किसी बंदे ने देख लिया ना, तो हम उसे कहेंगे हम तो नमाज पढ़ ही नहीं रहे थे, वैसे ही खड़े थे, हाथ ही नहीं बांधे सिरे से। जब नमाज की इमामत बांधी तो 10-11 सफ़ें थीं। जब मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला ने सलाम फेरा तो पीछे बंदा ही कोई नहीं था। हज़रत मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार किया गया। अरब का रिवाज था दुश्मन को सख्त सजा दें ताकि बायस इबरत बने। बहुत ऊंचा मीनार था कूफे का, गवर्नर हाउस का, ऊपर ले जाके जनाब मुस्लिम बिन अकील को जमीन पर गिराया गया। और जब वो शहीद हो गए तो शहीद होने से एक रात पहले वो खत लिख चुके थे इमाम हुसैन को कि आप आ जाएं, हालात बड़े अच्छे हैं। खत मिला तो इमाम हुसैन मक्के से कूफे की जानिब चल पड़े। इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला नो जब चल पड़े, तशरीफ ला रहे थे तो रस्ते में फर्जक शायर मिला, बड़ा मुहिब अहले बैत था। रस्ते में मुलाकात हुई, अल्लाह अकबर, हजरत मुस्लिम बिन अकील जब गिराया, शहीद हो गए, तो फिर उसने इस तरह किया कि आपकी लाश को लटका दिया चौक में। लोग देखते थे तो औरतें बच्चों कहती थी तूने बाहर नहीं निकलना, हमने नहीं इमाम हुसैन के साथ चलना, बस बस बड़ा खौफ है, कोई बंदा ना बाहर निकले, कोई नहीं जरूरत, हमें हालात बेहतर होगी तो देखी जाए। आज कितने लोग हैं, कितनी देगें पकी, कितनी न्याजें बटी, क्या कुछ हुआ। आप नाराज ना होना, मैं आप में से हूं, आप मुझसे हैं, ये बात आपकी नहीं मेरी सबकी है। आज भी अगर इमाम हुसैन के नाम पे जान देने की बारी आएगी तो देगे ही रह जाएंगी, नाराज तो नहीं हो गए आप लोग? फटाफट माए कहेंगी बाहर दी जाना, बिल्कुल पुत्र सानू की लगे, सारा दिन कोई हमारे लिए, वो पीर साहब तो करते रहते हैं बातें, उनका तो काम है, खबरदार हमने नहीं जाना। देगे देने को सारे तैयार हैं, जाने देने को तैयार होना, नाराज हो गए आप लोग? चलो कोई नहीं, हो जाओ, खैर सल्ला है, बात तो ठीक कर रहा हूं ना। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला उन्होंने फर्जक शायर रस्ते में मिला तो इमाम हुसैन को कहने लगा कहाँ जा रहे हैं? फरमाया मैं कूफे जा रहा हूं। कहने लगा हुजूर ना जाइएगा, लोगों के दिल आपके साथ हैं, तलवारें आपके साथ नहीं। सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला उन्हों को आके कहा हुजूर वो सारे कूफे वाले मानते हैं कि बात हुसैन की ठीक है, लेकिन आपकी सपोर्ट नहीं करेंगे। और अगली बात फर्जक ने यह की कि हुजूर मैं हजरत मुस्लिम बिन अकील की लाश को लटकी हुई देख के आया हूँ कूफे के चौक में। बड़ा ही खूबसूरत फिक्रा है इमाम हुसैन का। फरमाने लगे मेरा भाई लटका हुआ था, कहीं किसी के आगे झुका तो नहीं था? लटका ही था ना, कहीं झुका तो नहीं किसी के आगे? कहा हुजूर नहीं। तो आप फरमाने लगे अगर मुस्लिम बिन अकील लटक गया तो हुसैन भी लटक जाएगा, लेकिन झुकेगा। हजरत इमाम हुसैन तशरीफ लाए, बच्चों समेत आए। हुर बिन यजीद एक शख्स था, हुर बिन यजीद एक मुख्तसर सा लश्कर लेके उसने इमाम हुसैन को एक जगह पे रोका, फिर दूसरी जगह पे रोका, बिल आखिर तीसरी जगह पे रोका तो इमाम हुसैन ने फरमाया जगह कौन सी है? कहा हुजूर कर्बला। फरमाया बस यही खैमे लगा दो यही। हजरत सैयदा ज़ैनब ने पूछा इमाम हुसैन से कि सारे जमाने ने रोका है, ठीक है आप हक पे हैं, ये भी सबने कहा आप हक पे हैं, पर रोका भी सबने, आप रोके क्यों नहीं? तो इब्ने कसीर और इब्ने असीर लिखते हैं कि इमाम हुसैन रो पड़े, कहने लगे बहन मैं रुक जाता पर मैंने रात को नाना मुस्तफा को ख्वाब में देखा है। तो हुजूर ने फरमाया हुसैन अगर आज ये रिवाज पड़ गया ना यजीद जैसे लोगों का तो कयामत तक पड़ा रहेगा। फिर लोग कहेंगे कोई निकला नहीं था तो हमें भी निकलना, फिर लोग जालिमों के सामने गर्दने झुकाने के आदि हो जाए। मैं कहता रहता हूं, कह रहा हूं, करबला की जंग कुफर इस्लाम की जंग नहीं, कुफर इस्लाम की जंग नहीं करबला की, क्योंकि यजीद तो बड़ा पक्का नमाजी था, खुतबा देता था वो तो। जब इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला उन्होंने करबला के मैदान में, जुमे का दिन था, तो यजीद के सामने को बात करनी शुरू की अमर बिन साद के सामने, तो अमर बिन साद कहने लगा हुसैन ज्यादा बातें ना कर, हमारा जुमा लेट हो रहा है, जंग के लिए तैयार हो, फटाफट आ, अहले बैते नबुवत को कत्ल करेंगे और कत्ल के बाद फिर नमाज पढ़ेंगे और फिर कहेंगे अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, उसी नमाज में फिर दुरूद भी पढ़ेंगे। ये कैसा मर्तबा है, कैसा अंदाज है, दोस्ती कातिल से भी मकतूल से याराना भी। इमाम हुसैन ने कर हुर बिन यजीद इमाम हुसैन से कहने लगा मुझे हुक्म है आपको रोकने का, आप आगे नहीं जा सकते।
इमाम साहब ने फरमाया वजह जमीन अल्लाह की है। उसने कहा आप बैत नहीं कर रहे, यजीद की हालात आपके हक में दुरुस्त नहीं है, आप नहीं जाएंगे। इमाम रुक गए। जोहर की नमाज का वक्त हुआ तो हजरत अली अकबर इमाम हुसैन के बड़े साहिबजादे, उन्होंने अजान जोहर पढ़ी तो और बिन यजीद के लश्कर ने इमाम हुसैन के पीछे नमाज अदा की। कहा भाई तुम मुकाबले में आए हो, नमाज पीछे पढ़ते हो। कहा हुजूर मुकाबला तो तलवारों से कर रहे हैं, पर हमारा दिल तो मानता है ना कि मुस्तफा का नवासा बड़ी शान वाला है। हुर बिन यजीद ने तीन नमाजें लश्कर समेत इमाम हुसैन के पीछे पढ़ी हैं, तीन नमाजें जोहर असर और मगरिब। फिर इमाम हुसैन के सामने शरायत पेश की कि आपको यहां घेर लिया गया है, यहां आप बैत करेंगे या आप जंग करेंगे, दो ही बातें। इमाम हुसैन ने फरमाया नहीं भाई, बैत तो मैं नहीं करता, इसके अलावा तुम जो कहते हो मैं करने को तैयार हूं। उसने खत लिखा, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को एक बंदा दौड़ाया पीछे कूफे, चंद मील पे कूफा था। कहा वो नहीं मान रहे, क्या करना है? तो हुसैन इब्ने अली है, मैं ज्यादा देर उन्हें रोक भी नहीं सकता। उन्होंने पैगाम दिया हुर बिन यजीद को कि करना कुछ भी नहीं, उनका पानी बंद कर दो, ब्लैकमेल करो, खाना पानी नहीं मिलेगा, छोटे छोटे बच्चे हैं, खुद ही मान जाएंगे। हजरत इमाम अली मकाम के बारे में हुर के पास जब ये पैगाम आया तो हुर कहने लगा मेरी तबीयत नहीं मानती हुसैन पर पानी बंद करो, दिल नहीं मानता। जब ये लफ्ज कहे ना दोबारा, तो फिर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने अमर बिन साद को 10,000 आदमी दे के भेजा। का हुर बिन यजीद लचक दिखा रहा है हुसैन के हक में। एक रे का इलाका था, बड़ी वहां फसल होती थी, लोग कोशिश करते थे वहां का गवर्नर बनने की कोशिश करते थे। तो उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद कहने लगा तुम्हें रे की गवर्नरी मिलेगी, सबसे सरसब्ज शादाब इलाका, तुम्हें वहां का गवर्नर बनाया जाएगा अगर हुसैन के खिलाफ लड़ोगे। ये इतनी जबरदस्त होती है गवर्नरियां कि गवर्नरियों के लिए लोग नस्ले रसूल के खिलाफ भी निकल आते हैं, ये इतनी तगड़ी होती हैं, इतनी जल्दी वफादारियां बदलती हैं। वक्त इतना नहीं कि मैं मजीद तफसील में जाऊं। इमाम हुसैन को रोक लिया गया, अमर बिन साद ने रोक लिया। यकम मुहर्रम को इमाम आए, सात मुहर्रम तक रोका गया, सात मुहर्रम को पानी बंद कर दिया। जानवर पानी पीते थे, घोड़े पीते थे, कुत्ते पीते थे, लेकिन मुस्तफ़ा के घराने को पानी पीने की इजाज़त, तीन दिन तक पानी बंद रहा। नौ मुहर्रम को अमर बिन साद ने और लोग बुलाए, शिमर एक बड़ा सख्त आदमी था, संग दिल बदबख्त, जिसने हजरत अली असगर के गले पर तीर मारा था, वो और लश्कर लेके आया। रात को कहने लगा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कि बस बड़ा हो गया, ये 9-10 मुहर्रम की दरमियानी रात, या आप जंग करेंगे या आप बैत करेंगे, दो ही बातें। इमाम हुसैन अंदर गए, सैयदा ज़ैनब से मशवरा किया, बाहर आए, फरमाया बात वही है जो पहले दिन वाली है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया भाई बैत तो मैं नहीं करता, बाकी जो तुम्हारा प्रोग्राम है। शिमर और इब्ने साद कहने लगे फिर जंग के लिए तैयार हो जाए। क्या अंदाज है इमाम हुसैन का, फरमाने लगे कल जंग करूंगा, मुझे पता तो है जंग का नतीजा क्या निकलना है, एक रात मुझे दे दो ताकि मैं खुल के अपने रब की इबादत तो कर लूं। हुसैन ने जाना है, मुझे पता है कल रिजल्ट 72 और 22,000 का क्या, एक रात मुझे दो, मैं मालिक से राज न्याज तो करूं, मैं गोया उससे पूछूं तो सही कि मालिक मेरे वालिद भी शहीद हैं, भाई भी शहीद हैं, नाना को भी दुखों में देखा है, तो अब मेरी बारी है, तो मालिक मैं हाजिर हूं, मुझे मौका तो दो, इसलिए कि मेरे नाना ने बदर में भी सारी रात इबादत की थी, सुबह मुझे मौका दो। और दुनिया का उसूल है जब कोई मौका मांगता है तो दिया जाता है। ये दोनों कहने लगे कोई मौका नहीं। हुर बिन यजीद पीछे से बोला, कहने लगा नहीं बदतमीजी ना करो, हुसैन को मौका दो, तुम्हें देना पड़ेगा। मौका दिया। हुर बिन यजीद ने फिर मिन्नत की, कहा हुजूर आप मेहरबानी करें मान जाए। फरमाया मानने वाला खाता कोई नहीं, ये बड़ा मुश्किल काम है भाई, जमीर का सौदा अब तो आम हो गया, बाजार लगते हैं, रेट लगते हैं, अपनी अपनी चाहतों पे लोगों ने अपने अपने अंदाज सजाए हुए हैं। कोई आदमी बस अच्छे तरीके से नाम ले ले तो बस हम उसके पीछे चल जाते हैं, अब तो आम हो गया ये मामला। इमाम हुसैन ने फरमाया हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है। सारी रात इबादत में गुजरी, रियाजत में गुजरी। तहज्जुद का वक्त हुआ तो घर वालों को बुलाया, फरमाया देखना तुम्हारी सी की आवाज ना बाहर आए, खबरदार सी की आवाज ना। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन से फरमाया तू बीमार है, तू जिहाद नहीं करेगा, लेकिन ख्याल रखना पीछे। और बड़ी कीमती बात बता रहा हूँ, हमारी बीवियाँ किसी के घर मैयत हो जाए तो 4 दिन बुखार नहीं उतरता,
इमाम अली मकाम ने सय्यदा ज़ैनब से फरमाया, तू बड़ी है, मेरी बहन है, पीछे सारे बच्चे हैं, जवान हैं, इनके हौसले तेरी जिम्मेदारी हैं। सुबह जंग का तबल बजने लगा, फजर की नमाज पढ़ी, सूरज चढ़ा, 10 मुहर्रम का दिन, जुमे का वक्त, जनाबे सय्यदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला उन्होंने रेत पर सजदे किए, लंबे सजदे, लंबी नमाज, सूरत शम्स की आयात दूसरी रकत में पड़ी तो सारा करबला गूंजने लगा। क्या अंदाज तकल्लुम था इमाम अली मकाम का। नमाज मुकम्मल हुई तो हुर बिन यजीद, अमर बिन साद और शीमर से कहने लगे, वाकई हुसैन से लड़ोगे, पता नहीं कौन है। कुल्ला सालुकुम अलैहि अजरन, तुमने नहीं पढ़ा, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, तुम्हारी आंखें बंद है, अल हसन वल हुसैन सय्यद शबाब अहले जन्ना, तुम्हें नहीं पता। कहने लगा चुप कर, हुकूमत नजर आ रही है। और बिन यजीद कहने लगे, फिर मेरा भी फैसला सुनो, मुझे हुकूमत नहीं चाहिए, मुझे जन्नत चाहिए, हुकूमत नहीं चाहिए। इमाम हुसैन की पहली फतह देखें, और बिन यजीद एड़ी लगा के ना यजीद के लश्कर से निकल के इमाम हुसैन के लश्कर में शामिल हो गया, और पहला शख्स जिसने इमाम हुसैन को रोका, इमाम हुसैन के नाम पर पहला सर भी इसी शख्स ने कटाया है। लेकिन यजीद की कब्र पे लानत भी कोई नहीं बरसाता, उसका महल था बहुत बड़ा, लेकिन जब लोग करबला में इमाम हुसैन को सलाम करने जाते हैं तो कदमों में हुर बिन यजीद का मजार भी बना हुआ, उसको भी सलामी दी जाती है। और अब हम अकेला हुर बिन यजीद नहीं कहते, हम कहते हैं हुर बिन यजीद रदी अल्लाह ताला। अब हम इतनी ताजीम करते हैं उस हुर की। जनाबे इमाम हुसैन को मैदान में खड़ा किया गया, जिहाद का तबल बजा, पहले खुद्दाम आए, और सुन लो, आज वो पता नहीं बाजारी से लोग चढ़ गए स्टेजों पे, बाजारी से, ना चेहरे पे दाढ़ी है, ना सर पे कोई कपड़ा है, बाजारी लोग हैं, भाग रहे हैं, बाजू चढ़ाए हुए हैं, बटन खोले हुए हैं, तमाशा बना दिया। सुनने वालों का भी अल्लाह ही हाफज है, वो स्टेज पे अहले बैत की शान बयान करता है, भाग के उधर जाता है, ये कोई तरीका है? सुनने वालों का भी अजीब अंदाज है, हर बंदे को सुनने बैठ जाते हैं। दीन मुहज़ब है, तहजीब वाला है, दलायल रखता है, दीन वकार रखता है, ऐसे लोग आप दीन बयान करेंगे। हजरत सय्यदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु, सुबह जब जिहाद का वक्त आया, पता कौन कौन थे करबला में? इमाम हुसैन के साथ इमाम हुसैन के 4 भाई थे करबला में। कितने बोल के बताए? हजरत अली के 4 बेटे, अब्बास बिन अली, जिनको हजरत अब्बास कहा जाता है ना, अलमदार, ये हजरत अली की दूसरी जौजा में से, अब्बास बिन अली भी थे और अबू बकर बिन अली भी थे, उमर बिन अली भी थे, उस्मान बिन, ये हजरत अली के बच्चों के नाम है, ये आपके शहजादे इमाम हुसैन के साथ शहीद हुए। इनका नाम सिर्फ इसलिए नहीं लिया जाता कि इनका नाम खुलाफाए सलासा के नाम पे, हजरत अली ने अपने यारों के नाम पे रखा है, तो तुमने करबला के मैदान से खारिज कर दिया। ये तीनों शहजादे हजरत जनाब सय्यदना इमाम हुसैन के साथ थे, ये भी शहीद हुए। हजरत जनाब ज़ैनब इमाम हुसैन की सगी बहन है, इनके 2 बच्चे थे, औन मोहम्मद। जब इमाम हुसैन मैदान में जाने लगे तो जनाब ज़ैनब बच्चों से कहने लगी, ना पहले भाई नहीं जाएगा, पहले भांजे जाएंगे। 2 बच्चे शहीद हुए। हजरत कासम बिन हसन इमाम हसन के बेटे थे, वो जब मैदान में जाने लगे तो इमाम हुसैन ने कहा, नहीं भल्टू नहीं जाएगा, तू मेरे भाई की निशानी है, मैं जाऊंगा। तो हजरत कासम बिन हसन ने एक तावीज़ खोल के दिया, कहा अब्बा जी मेरे वालिद ने कहा था जब बड़ी मुश्किल आ जाए तो तावीज़ खोल के देखना, तो आज बड़ी मुश्किल आई है तो मैंने तावीज़ खोला है, तो ये देखें क्या लिखा है। ये तो रुका है, तावीज़ है ही नहीं। जब खोल के देखा तो उस पर लिखा था, कासम अगर हुसैन पे कोई कड़ा वक्त आ जाए तो बैठ के आगे आगे रहना, अगर कड़ा वक्त मेरे भाई पे कभी आ जाए ना, देखना इसके आगे आगे चलना, इसे हसन की कमी ना महसूस हो, भाइयों जिहा साख नहीं कोई, जे बेच खार ना होवे। सय्यदना इमाम हुसैन पहली दफ़ा करबला में उस वक्त रोए जब ये रुका, आपने देखा तो फरमाया ठीक है, अगर हसन की ये वसीयत है तो मैंने ज़िंदगी में अगर उनकी हर बात मानी है अब भी मानूंगा, तुम्हें इजाज़त है। जनाब कासम बिन हसन 16 साल का जवान जब मैदान में निकले तो हाय हाय पता नहीं कहाँ से आ गई है। इमाम कासम बिन हसन जब मैदान में निकले तो तबरी से लेकर अल्लामा अबुल असनाद साहब सबको पढ़ के तो देखो, 3 दिन की प्यास है,
शदीद आजमाइश है, दुख है, तकलीफें हैं, फिर भी पहली दफा जब मैदान में गए हैं, वापस आए हैं, 19 लोगों को कत्ल करके वापस आए। सुनाओ किस्सा खैबर को तमामी अपने बच्चों को, अली की दास्तां सुन के दिलों से डर निकलता है। अली की दास्तां सुन के दिलों से, ये जो बच्चे डर रहे हैं ना, वो हो चिमगादड़ आ गई, काकरोच आ गया, ये खौफ निकल जाएगा अगर हजरत कासिम बिन हसन की बात सुने। दर्जनों लोग आपने कत्ल किए, एक दफा आए का चाचा यजीद का लश्कर तो बड़ा बुजदल है, अगर चंद कतरे पानी मेरे हलक से गुजरे तो मैं सारे काट के ले आऊंगा आपके पास, चंद कतरे। लेकिन थोड़ी देर गुजरी, अमर बिन साद कहने लगा अकेले अकेले जाओगे तो अली का पोता है, ये सबको मार देगा, इकट्ठे जाओ। चारों जानब से तीर बरसे, एक तीर लगा आके गर्दन के पीछे, बस जनाबे सैयदना कासिम बिन हसन घोड़े से नीचे गिरे। तो जनाबे जैनब हौसला करके आंसू समेट के कहने लगी, मैं देख रही हूं पर्दे के पीछे से हुसैन मेरे भाई का बेटा गिर गया है, जा उसे उठा के ला। हजरत इमाम हुसैन उनको उठा के लाए, तो इमाम हुसैन ने सीने से लगाया हुआ था, तो उनके पैर, उनका कद लगता था इमाम हुसैन से ज्यादा है, उठा के लाया, लिटा दिया गया। इमाम हुसैन के अपने बड़े बेटे मैदान में निकलने को, अली अकबर नाम है, जब जिन लोगों ने हुजूर को नहीं देखा था, वो जब कहते ना हमने नबी पाक का दीदार नहीं किया तो बताओ किस तरह के थे, तो बताया जाता था कि जनाबे अली अकबर का दीदार करो, हम शबीहे मुस्तफ़ा। और जब वो गलियों में निकलते थे तो औरतें छतों पे चढ़ जाती, जनाबे अली अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो तलवार लेके मैदान में निकले, जवान बेटे देने बड़े मुश्किल। ओ यारो रट्टा क्या है ये तो बताओ, कि जालिम आदमी हुक्मरान, यार ये रट्टा है, एक जालिम का रास्ता रोकना है इस रट्टे के लिए। हम शबीहे मुस्तफ़ा, जनाबे सैयदना इमाम अली अकबर मैदान में निकले, बड़े लोग मारे बड़े, फिर एक तीर उनके भी गले में लगा, और जब वो गिरे ना जमीन पे, तो हजरत इमाम हुसैन दौड़ के आए, दौड़ के, और जब तशरीफ लाए तो उनके गले से तीर खींचा, तो एक जुमला लिखा है साहिब तबरी ने, उसने हद कर दी, कहने लगे तीर खींचा तो इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आए, कहने लगे काश जनाबे इब्राहिम आज मेरे सामने होते, तो मैं उन्हें कहता कि आपने तो बेटा जीबा करते वक्त आंखों पे पट्टी बांधी थी, देखो मैं खुली आंखों से बच्चे जीबा कर रहा, खुली आंखों, काश जनाबे इब्राहिम खलील होते, तो उन्हें कहता। जनाबे अली अकबर भी शहीद हुए, हजरत अली असगर को तो अचानक उठाया था इमाम हुसैन, बाहर निकले तो गर्दन पे तीर लगा, तो 6 महीने का बच्चा, वो भी शहीद हुआ, खून उछाला आसमान की तरफ, तो का मौला देख ले मैंने 6 महीने वाला भी नहीं बचाया, वो भी दे दिया है। फिर हजरत अब्बास को बेटियों ने कहा कि अब ना, कुछ कहते हैं पहले शहीद हुए, कुछ ने लिखा बाद में, अब हमसे पानी के बगैर नहीं रहा जाता। तो जनाब अब्बास पानी का मशकीजा लेके निकले बाहर, एक हाथ कटा, दूसरे पे मशकीजा वो भी कटा, फिर पानी तो भर लिया था, ला ना सके, फिर गर्दन कटी तो शहीद हुए। बच्चों की भी शहादत हुई, पर जब उनका लाशा उठाया तो इमाम हुसैन कहने लगे मौला अब ना हुसैन की कमर कमजोर हो गई है, अब कमजोर हो, और भाई एक मैयत हो जाए तो 4-5 दिन तो पूरी आंखें नहीं खुलती, कैसा जर्री खानदान है। थोड़ी देर गुजरी तो इमाम अली मकाम ने पटका बांधा, सर पे दस्तार बांधी, मौला अली की तलवार पकड़ी, नबी पाक का इमामा बांधा, और घोड़े पे सवार हुए तो कहने लगे जैनब घर तेरे हवाले और मैं अल्लाह के हवाले, घर तेरे हवाले और मैं, और फिर इमाम हुसैन निकले, इमाम अली मकाम निकले। रावी कहते हैं कि ये जलवा पहले भी बड़े सोने थे, पर आज जो रंग देखा वो कभी नहीं देखा, क्या अंदाज था, जिधर जाते नारा लगाते तो हद हो जाते, इतने लोग इमाम हुसैन ने काटे, इतने काटे, फिर वापस पलट के आए और कहने लगे जैनब जरा पर्दे के पीछे से देख तो सही मेरी बहन, इन बुजदिलों को जुर्रत ही नहीं हो रही हुसैन के मुकाबले में आने, एक दूसरे को धक्का देते तू जा तू जा। फिर इकट्ठे वार हुए, ये कौन है कटा हुआ लिबास है फटा हुआ, ये बिल यकीन हुसैन है, नबी का नूर ऐन है। फिर चारों जानिब से तीर बरसे, तो इमाम अली मकाम चूंकि नमाज का वक्त हो गया था, उतरे घोड़े से, खून बह रहा था, गर्म तरीन रेत से तयम्मुम किया, सर सजदे में रखा, और जब
शिमा राव की गर्दन काटने लगा तो कहने लगे ठहर जा जरा रब से एक बात कर लेने दे। और फिर बोले इमाम हुसैन, कहने लगे मालिक तू अब बता के हुसैन से राजी है कि नाराज है, तू बता। तो फिर एक आवाज आई, या अय्यतुहन नफ्स मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिक राजियतन मर्दिया। फरमाया नफ्स मुतमइन्ना वापस आ जा, तू अल्लाह से राजी है, अल्लाह तुझसे राजी। इमाम हुसैन वहां शहीद हो गए। अब ये काफिला इमाम हुसैन का सर काट, जरा देखना गौर करना, सर काट के नेदे पे रखा है, जिस्म करबला में पड़ा है, औरतों को घोड़ों पे बिठा के ले जाया गया यजीद के दरबार में। यजीद पहले उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने बदतमीजी की, फिर यजीद ने की। सऊदी अरब का एक मौलवी बोल रहा था, सऊदी अरब का, उनसे भी बड़ा इश्क है, जिसने तकरीर सुननी हो मेरे पास है। हमें लोग मशवरे देते हैं कि जो यजीद को अच्छा कहे और हुसैन को बागी कहे उसको हम इमाम मान लें, उस बेशरम बेहया को जो नबी पाक के घराने के बारे में बके उसे इमाम। सऊदी अरब में मस्जिद नबी में दर्श देने वाला जिसने तकरीर सुननी हो मेरे पास है, वो कहता है यजीद तो बड़ा अच्छा आदमी था, उसने तो बड़ी खिदमत की, तो मैंने उसे कहा रिश्तेदारी कर ला यजीद के साथ, करीब हो जा। शर्म नहीं आती? आज भी नबी पाक का दिल दुखाते हो, हया नहीं आती, ख्याल नहीं आता? और लोग घर में बैठ के बातें करते हैं, कहते हैं जी जो बैतुल्लाह में हो वो भी बुरा हो सकता है। बैतुल्लाह में तो 360 बुत भी थे, वो अच्छे थे? मदीने में तो 360 मुनाफिक भी रहे, पूरी सूरह मुनाफिकून नाजल हुई, वो अच्छे थे? अजीब तमाशा बना दिया लोगों ने मजहब का, वो आज बकरा है। आज मेरे पास वीडियो आई है, कहता है यजीद ने तो बड़ी खिदमत, तो उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने कत्ल किया। बेशर्मो, अगर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने भी कत्ल किया था तो हुकूमत किसकी थी? बोले, बोल के बताए। तो फिर यजीद ने उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को सजा क्यों नहीं दी, बल्कि एक जगह दो गवर्नरियां दी उसको, ये हाल किया? बल्कि सुनो जो हदीस पाक में आता है वो ये है कि यजीद छड़ियां मार रहा था, छड़ियां इमाम हुसैन के लबों पे, तो नुमान बिन बशीर सहाबी थे, बोल पड़े, कहने लगे ओ यजीद बदबख्त हाथ पीछे उठा, मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम मैंने सैकड़ों बार नबी पाक को इन होंठों को चूमते देखा है। हजरत जनाबे ज़ैनब औरतों के मजमे में पीछे होके बैठी हैं, यजीद के पास जब पहुंचा लश्कर तो यजीद कहने लगा देखो अल्लाह ने मुझे इज्जत दी और मेरे मुखालिफों का क्या हाल हुआ। तो बीबी ज़ैनब बोल पड़ी, इतने सदमे सहे पर आवाज तवाना है, जानदार है। हजरत सैयदा ज़ैनब ने जब सुना ना कि ये कह रहा है कि मेरे मुझे अल्लाह ने इज्जत दी, तो जनाब ज़ैनब बोली। नुमान बिन बशीर कहते हैं बीबी बोली, इतने सदमे हैं पर जनाब ज़ैनब बोली, अल्लाहु अकबर। इस अंदाज में बोली कि पहले कुरान मजीद की आयत पढ़ी, कहने लगी वतुइज्जु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियादिकल खैर इन्नका आला कुल्ले शैइन कदीर। और फिर कहने लगी यजीद तू बकता है, कहता है कि तू इज्जत वाला हो गया, ये तेरी हुकूमत है, चार दिन गुजरने दे, तुझ पे कोई लानत भी नहीं बरसाएगा और मेरे भाई का कयामत तक मिंबरों में और खुतबों में जिक्र हुआ करेगा, वक्त गुजरने दे। जब जनाबे बीबी सहन बोल रही थी तो हुजूर के एक नबीना से आपी पास बैठे थे, जनाबे नुमान बिन बशीर का हाथ हिलाया, हिला के कहने लगे क्या अली आ गए? तो अली की आवाज लगती है, जिब्रील अमी बोल रहे हो जैसे, हिकमत के गोहर रोल रहे हो जैसे, दरबार दमिश्क में बीबी ज़ैनब का खिताब, मिंबर पे अली बोल रहे हो जैसे। मेरे भाई बस करबला वाला काफिला तो मदीने पहुंच गया, 3 साल यजीद ने हुकूमत की, शराबे आम हो गई, मक्के पे हमला हुआ, खाना काबा का गुलाफ जला, मदीने पे उसने हमला किया, 3 दिन मस्जिद नबवी में उसने घोड़े बांधे, मस्जिद नबवी में सहाबा को निकाल के अपना उसने इमाम मुकर्रर किया, लेकिन फिर उम्मत ने उसे कबूल न किया, फिर वो रुसवा हुआ और आज तक वो रुसवा है। लेकिन इमाम हुसैन का नाम कल भी जिंदा था और आज भी